कैसे हो आप सब? यार कल मैं ना गुलमर्ग से यहाँ आ गई थी पहलगाँव, और आज हम पहलगाँव में घूमेंगे। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी एक वैली है, बड़ी फेमस वैली है, बेताब वैली। बेताब वैली उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर शायद, मुझे पता नहीं, अभी पूछेंगे, मेरे हिसाब से शायद बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। बेताब मूवी देखी है आप लोगों ने, जिसमें सनी देओल है और वो हीरोइन है यार, सारा अली खां की माँ है जो, अमृता सिंह। तो बड़ी फेमस थी, अच्छी सी मूवी है, शायद उसी की शूटिंग हुई होगी तभी उसका नाम है। और उससे पहले ना मुझे अपनी गाड़ी साफ़ करानी है। मेरे पीछे की ना बड़ी सुंदर सी नदी है, उस नदी पे चल के मस्ती करते हैं और गाड़ी भी साफ़ करवाते हैं। मैं भी कर दूँगी थोड़ी सी साफ, ठीक है? चलो चलते हैं। इतनी गर्मी कैसे हो सकती है एक जगह पे? इतनी ठंड, मर गए वहाँ पे। इतने सारे वार्मर खरीदे हमने, ग्लव्स खरीदे हमने, सॉक्स खरीदी यहाँ की, मतलब हमारे दिल्ली के कपड़े तो फेल थे यार। यहाँ के हमने स्पेशल चीज़ें खरीदी जो उन्होंने बोला हमें। ये देखिए, ये आ गए हम नदी पर। बाल्टी तो लाए नहीं, धो लेते बाल्टी लेके। यार हमारे होटल वाले ने बोला कि यहाँ पे गाड़ी साफ़ करने वाले आपको भर भर के मिलेंगे, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इस लड़के ने तो साफ साफ मना कर दिया, बड़ा रूडली मना किया। क्यों करे भैया, हम गाड़ी साफ तुम्हारी खुद कर लो। है भाई कोई? सच्ची में कोई नहीं है? ये मेरे को नदी में जाना है, कहाँ पार्क करूँ? यार बड़ी ना प्यारी जगह है ये, और इतना प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है इतनी ज़्यादा, मतलब मज़ा आ गया है यार। इतना सुकून मिल रहा है, वर्ड नहीं है मेरे पास बताने के लिए। मतलब अजीब सी शांति सी हो गई है मन में यार, पता नहीं कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यूजुअली चुप रहना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर चुप बैठने का मन कर रहा है। आप बताइए इस सुहाने से मौसम के बारे में, इस प्यारी सी नदी के बारे में। बहुत अच्छे शेर व शायरी करते हैं, अर्ज़ कीजिए कुछ। कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ इश्क से भी काम किया, कुछ काम से भी इश्क किया। क्या बात है लौंडे, सुधर गया तू तो, बड़ा अच्छा जोक सुनाया। ये जोक क्यों लगते मेरे को तेरी शायरी? बड़ा अच्छा था, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। काम पे फोकस है इसका पूरा भाई, और कहीं ध्यान व्यान नहीं है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं। अच्छा डाटा था तुझे मैंने, मुझे लग रहा है ना? नहीं मैं डर। सब पहले हाँ बात से वो लगा, लगा हाँ हैं, काटे नहीं है आप, लगा लगा ऐसे या ऐसे पकड़ो चूली में, हाँ जैसे बच्चा पकड़ते हैं ना ऐसे। ये देखो कितनी प्यारी थी, मुझे भेड़ मिल गई है, भेड़ का बच्चा स्वीट सा। ये दूध किससे पिएगा? ये बॉटल से नहीं दूध पी थी, पीती है। यार ये बड़ी सॉफ्ट है, मैंने लाइफ में पहली बार पकड़ा है इसे। गिर तो नहीं जाएगी? मेरे हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है। पकड़ो। ये पहचानती है आपको, है ना? यार यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारा प्यारा सामान है। मैंने बहुत सारे शॉल लिए यहाँ से, सूट लिए यहाँ से, अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये पूछ रही थी पहलगाँव में इतनी गर्मी क्यों है आपके? अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुआ है। आगे आगे देखिए होता आगे है क्या। अच्छा बेताब वैली जो है उसे बेताब वैली क्यों कहते हैं? फिल्म बना हुआ है ना, देखो मैंने सही बोला था, पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी इसीलिए। और किसी मूवी की शूटिंग हुई है अभी? मुझे पुल है ना, हाँ वो वाला, जब तक एक जान बना हुआ है मुझे, उस पुल पे जब तक एक जान बनी है, वो जो वहाँ पे जो ज़ियारत है ना, वहाँ पे बना बजरंगी भाई जान, बजरंगी भाई जान, मर्द जोड़ी मेरी आम रोड कर में जाऊंगा, वो भी यहाँ पे माहौल माहौल ठीक है यहाँ पे, यार माहौल ठीक है, बहुत सारी फिल्म यहाँ पे बनी हुई है। हाँ यहाँ पे तो शूटिंग होती रहती है ना, सुंदर जगह है ना ये। कैसा लगा कश्मीर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे लगे हमें। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पहले हर कोई इंसान बोलते है कि कश्मीर जन्नत है,
लेकिन मैं लोगों की बात करूंगा, लोग आपको कैसे मिला यहाँ? लोगों की मैंने बात की, लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। रेस्पेक्ट कैसे मिला आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत मेहमान नवाजी करते हो आप लोग। बेताब वैली खाना है यार मुझे, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, सिर्फ मैंने क्या क्या खाया था, मैंने खाया था ब्रेड जैम, आलू के पराठे और थोड़ी सी आलू पूरी, बस इतना कम। कितना काम चलेगा इतना ही कम, मेरी डाइट का बहुत ज्यादा सो जाएगी तो तुम सोखती तो कोई ना, मैं हट्टी कट्टी मुस्टंडी हूँ। 10 मिनट से ऊपर तो नहीं होगी खाए? मैं खा लेते हैं कुछ जस्ट निकलने से पहले 10-12 स्लाइसेस उसकी खा के आई हूँ, पाइनएप्पल की। अब फिर ठीक है सर। तू सामने देख ये गाड़ी, मतलब इतनी सुंदरता देखते देखते उसमें घुसा मत दियो, खाइयों में जाए कहीं कहीं जन्नत नसीब हो जाए हमें। अप्सराओं के साथ खेले फिर हम। देखते ही रहो, बस देखते ही रहो, पागल हो जाओ। यार वैसे पहाड़ों की ना खासियत है, जितना देखोगे ना उतना थोड़े टाइम में नफरत हो जाएगी आपको। बस भाई बस, सही लग रहे हो दोस्तों, लगे रहो मुन्ना भाई, बीच सड़क में मत बैठो भाई। कोई कौवा बना के जाता रहेगा तुम्हारा। भाई ये बेताब वैली। मतलब मैं इतनी शर्मिंदा हो चुकी हूँ कि क्या दिखाऊं, गर्मियों में ऐसी तैसी हो चुकी है इस वैली की। बेताब वैली नीचे। थैंक यू। इतना बदतमीज इंसान है ना यार ये, मैं आपको बता रही हूँ ना पूरा टाइम मेरा दिल तोड़े जा रहा है। कह रहा है काली सड़ी बेताब वैली आ गई है तेरी, 3 दिनों से शोर मचा रखा है, बेताब वैली जाना है, बेताब वैली जाना है, देख ले अपनी काली सूखी वैली। नहीं नहीं ये बेताब वैली नहीं है, अभी हम नीचे उतरेंगे वहां पर बेताब वैली है, हम पीछे रास्ता छोड़ के आ गए, नीचे उतरने का रास्ता है इसमें बेताब वैली में। हाँ ये रहा, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ बेताब वैली। अरे वाह, हम आ चुके हैं बेताब वैली, वो एंट्री है वहां से जाने। यार मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, मैंने जैकेट बदल ली है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। चलिए चलते हैं बेताब वैली के अंदर। पीछे बेताब वैली को, और मैं सच बोल रही थी अभी बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, सच्ची में हुई थी। इतनी सुंदर जगह है ये, बेताब वैली में भी ये रिवर फ्लो कर रही है, बहुत रिवर्स है यार यहाँ पे, भगवान ने बड़े तसल्ली से बनाया इस जगह को। अभी हम बेताब वैली के अंदर नहीं गए हैं, उसके बाहर ही रिवर है जो मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, फिर से उसके अंदर आ गई हूँ मैं, अब जाएंगे अंदर चलें। वैसे सब लोग बोल रहे हैं कि गर्मियों में ज़्यादा अच्छा होता है, हम लोग मार्च के सीज़न में आए हैं, अभी बीच का मौसम है। यार अभी थोड़ा पीछे थे हम पहलगाँव से, यहाँ पे रुके थे, वहाँ इतनी गर्मी थी बाय गॉड, अब यहाँ पे आके
इतनी ठंड लग रही है मुझे यार, जरा जरा से डिस्टेंस पे इतना क्लाइमेट में चेंज है, हद है यार। मैं जैकेट चाहिए। ये देखो मेरे पीछे सनी देओल का घर है। मिल यहाँ रहता था सनी देओल, यहाँ होते थे घोड़े, यहाँ आई थी अमृता सिंह उससे लड़ाई करने के लिए। देखा, मूवी भी देख रखी है मैंने। ये जो नीचे जगह है ना, यहाँ पे सनी देओल बैठ के लकड़ी काटता था। दिखाती हूँ, जो वो लकड़ी भी पड़ी है जो काटी है उसने, फिर वो लकड़ियाँ जो सनी देओल ने काट के रखी है। ये देखिए बॉन फायर के निशान, बॉन फायर होती है यहाँ पे, मुझे वहाँ जाना है। क्या जगह है भाई, गॉड मजा आ गया लाइफ के। चलिए आगे चलते हैं। यार देखो कितना स्वीट सा प्यारा सा घर है ये, वाओ। इतना छोटा है, यहाँ एक चेयर रख के बैठ सकते हैं। और कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। यार यहाँ पे ना एक्चुअल मौसम घूमने का ना, आप लोग मई में आइए, अप्रैल एंड मई जून बहुत अच्छा स्प्रिंग सीज़न होता है, सारे में फूल ही फूल होते हैं। इस टाइम मार्च में हम लोग आए हैं, अब तो सब सूख गया है, बर्फ ने हालत ख़राब कर दी है पेड़ों की। यू हमारे पीछे पीछे पूरा काफिला आ रहा है। उनको लग रहा है मेरे में बड़ा दिमाग है, मैं अच्छे रास्ते से आऊँगी, लेकिन अब पूरा रास्ता कोस रहे होंगे मुझे। यार बहुत ठंड है यहाँ पे, मतलब सीरियसली पूरी बॉडी फ्रीज हो गई है मेरी। अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है, नहीं रुक पाऊँगी ज़्यादा देर, अगर थोड़ी देर और रही तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा मेरा। और बट मैगी खा के जाऊँगी, मगर आपको नहीं दिखा रही यार, आप लोग मुझे हर टाइम मैगी 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 ना, मेरी माँ भी डांटती है, इसलिए चलिए आज का दिन एंड करते हैं, कल वापस चलेंगे घर, फिर मिलते हैं, बाय।